फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में किसी वर्ड की रैंक क्या होगी अगर उसकी डिक्शनरी बनाई जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वर्ड बनाया SEAC, ये तीन लेटर का वर्ड है। इस तीन लेटर के वर्ड के सारे परम्यूटेशन बनाएं, तो सारे परम्यूटेशन के लिए ये 1, 2, 3 है, तो इनके परम्यूटेशंस बनेंगे 3 फैक्टोरियल। अगर आपने परम्यूटेशन के पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे हो तो उन्हें जरूर देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि CSEA अगर ये तीन लेटर हैं, तीन लेटर को हम सारे पॉसिबल केसेस में जमाएं, सारे पॉसिबल ऑर्डर बनाएं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे 3 फैक्टोरियल। तो वो 3 फैक्टोरियल कौन कौन से होंगे तो देखिएगा। पहला होगा आपका AES, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद एस आएगा, ए के बाद एस आएगा, उसके बाद ई आएगा। हम डिक्शनरी के सारे पॉसिबल ऑर्डर बनाएंगे जिस हिसाब से डिक्शनरी, ए के बाद ई, फिर ई के बाद एस, फिर ए के बाद एस, एस के बाद ई। पर हाँ, इन इन जो लेटर्स लिखे इन लेटर्स का यूज करके ही बनाएंगे, इनके अलावा कोई लेटर नहीं लेंगे। अब डिक्शनरी भेजेगी ई को, ए के बाद आप ध्यान से समझे, ए के बाद डिक्शनरी में कौन आता है, ए के बाद डिक्शनरी में आता है ई, ई के बाद कौन आएगा, ई के बाद आएगा ए, ए के बाद आएगा एस, फिर ई के बाद कौन आएगा, फिर ई के बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा ए, फिर आएगा आपके पास, अब एस वाले वर्ड आएंगे, सबसे पहले आएगा एस, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा एस, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए। तो ये जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में SEA सी वर्ड है, वो सी वर्ड की रैंक क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी रैंक होगी 6। और फॉर्चुनेटली ये जो सी के सारे पॉसिबल परम्यूटेशन है इनकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 3 × 2 × 1, 6 हो गई। तो इससे ये नहीं निकालेंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है। एक नया वर्ड लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए नया वर्ड लिया हमने राम, राम में डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी, ए को भेजेगी, फिर किसको भेजेगी, एम को। मतलब डिक्शनरी में सबसे पहले जैसे हम देखते हैं तो सबसे पहले ए आता है, ए के बाद डिक्शनरी में कौन आएगा, एम आएगा, एम के बाद कौन आएगा, आर, फिर ए आएगा, फिर अगला कौन आएगा, आर, फिर एम, फिर एम, फिर ए, फिर आर। जैसे डिक्शनरी चलती है उसी तरीके से, एम के बाद ए आएगा, ए के बाद आर आएगा, एम के बाद फिर कौन आएगा, आर आएगा, फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा, आर आएगा, आर के बाद डिक्शनरी किसको, डिक्शनरी के अंदर आएगा जो पहला वर्ड होगा वो ए से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आएगा एम, फिर आएगा आर, एम, ए। तो हम देखें कि राम कहाँ पे आ रहा है, कौन सी पोजीशन में, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, sorry 1, 2, 3, 4, ए आर एम, एम ए आर, एम आर ए, आर एम, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें एक ज्यादा लिख दिया शायद से, आर एम, ओके इसको काउंट कर लिया इसलिए गड़बड़ हो गई, ये तो वर्ड है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा जो राम वर्ड है उसकी पोजीशन 5th पोजीशन है, वो पहली यहां से काउंट करेंगे ए एम आर से, इसको हमने गलती से काउंट कर लिया था, जैसे इसमें सी लिखा हुआ है पर काउंटिंग यहां से करेंगे, तो वैसे इसमें भी। अब एक और नया वर्ड लेते हैं, तो इसकी रैंक हमारी आ गई 5 रैंक है, इसकी रैंक इसकी 5 है। अगर मान लीजिए कि हमने एक नया वर्ड ले लेते हैं, आप बैंक ले लें, बैंक। अब बैंक में हमें रैंक निकालना है किसकी, बैंक की। बैंक में टोटल जो लेटर्स है 1, 2, 3, 4 है, तो टोटल परम्यूटेशंस बनेंगे 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मतलब कितने हो जाएंगे, 24 केसेस होंगे। अब या तो वो 24 केसेस हम बनाएं या फिर थोड़ा दिमाग लगाएं। तो दिमाग कैसे लगा सकते हैं, दिमाग ऐसे लगा सकते हैं कि सबसे पहली पोजीशन में ए को फिक्स कर दें, जब ए पहली पोजीशन में रहेगा तो क्या होगा, फिर हमारे पास बी एन के, तो ये बी एन के, तो बी के बाद कौन आता है, के, के बाद कौन आता है, एन आता है,
फिर कौन होगा यहां पे आएगा बी एन के, फिर कौन होगा यहां पर के बी एन, के एन बी, फिर कौन होगा एन बी के, एन के बी। तो ये टोटल जो हमारे पास ए से स्टार्ट होने वाले हैं, जिनके सबसे शुरू में स्टार्टिंग में ए आएगा, वो सारे वर्ड्स कितने होंगे, वो दे विल बी सिक्स, वो सारे कितने हो जाएंगे, दे विल बी सिक्स। तो इसको दूसरे ढंग से समझते हैं, दूसरे ढंग से इस तरीके से समझते हैं, देखिए कैसे, कि जब हमारी डिक्शनरी में सबसे पहले ए आएगा तो ए से चालू होने वाले कितने होंगे, व्हेन ए ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस, जब डिक्शनरी का सबसे पहला लेटर ए हो, और वो जो घूमने जो बचे हुए लेटर से वो कौन कौन से, बी एन के, इनसे जितने भी वर्ड बनेंगे तो दे विल बी थ्री फैक्टोरियल। हाउ मेनी विल बी दे, हाउ मेनी विल दे बी, तो दे विल बी थ्री फैक्टोरियल, वो टोटल होंगे सिक्स, ए से चालू हो रहेंगे, ए से ए के बाद आएगा बी, बी के बाद के, एन, जैसे हमने बनाए थे वो सारे पॉसिबल हैं, लेकिन हमें बैंक तो नहीं मिला। अब डिक्शनरी में ए के बाद, डिक्शनरी में ए के बाद, ए के बाद क्या आता है, तो डिक्शनरी में ए के बाद आता है बी। तो जैसे ही हमें बी वाला पेज मिलेगा डिक्शनरी में, उस पेज में हम चले, उस पेज के अंदर हम ढूंढेंगे बैंक। अब हम बी के आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी नीड क्या थी, हमारी नीड बैंक ढूंढने की। तो ए से चालू होने वाले जितने भी थे, तो ए से चालू होने वाले जितने भी वर्ड्स थे, चाहे वो मीनिंगफुल थे या मीनिंगलेस थे, उनसे हमें मतलब नहीं है, पर वो टोटल वर्ड्स थे सिक्स। अब सिक्स के बाद हमारी डिक्शनरी में आएगा बी। अब बी में ध्यान से देखें, अब बी वाले पेज में हम समझ ले कि बी वाले पेज में हम एंट्री कर लेंगे, तो जब बी वाले पेज में हम एंट्री कर लेंगे तो अब हमें बी नहीं ढूंढना, अब हमें बी मिल चुका है, अब हमें ढूंढना है ए एन के। तो जैसे ही अब हम बी के पेज में घुसेंगे, तो बी के पेज में घुसते से ही हमें सबसे पहला लेटर कौन मिलेगा, सबसे पहला लेटर हमें मिलेगा ए। जैसे ही हमें ए मिलेगा तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, तो हमें ए की भी जो सर्च थी वो हमारी तलाश पूरी हो गई। अब हमारी डिक्शनरी किसको भेजेगी, अब बी के बाद ए आएगा, फिर जब ए मिल गया तो हमें क्या ढूंढना है, एन के। पर एन के में डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी, डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा के, और के, और इसमें जो घूमने वाला रहेगा, घूमने वाला मतलब जो इधर उधर हो सकता है, वो एन है, तो उसको जमाने का तरीका एक ही है, तो इसके लिए लिख दिया वन फैक्टोरियल। अब के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, डिक्शनरी भेजेगी एन को। जैसे ही डिक्शनरी एन को भेजेगी तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि बी मिल गया, ए मिल गया, ए के बाद हमें एन की जरूरत है, और एन की जरूरत है तो एन के बाद हमें किसकी जरूरत है दोस्तों, एन के बाद हमें के की जरूरत है, तो ये भी कैंसिल कर दिया, और ये इसकी पोजीशन है, और इसको नंबर देंगे एक। जैसे आप मान लीजिए कि टेंथ पास करते हैं, और टेंथ पास करके आप इलेवेंथ में आते हैं, और आपसे पूछते हैं कि इन विच स्टैंडर्ड यू आर, तो आप कहते हैं कि आई एम इन स्टैंडर्ड 11, जबकि आपने पास कौन सी की, आपने पास तो टेंथ की है। उसी तरीके से इसने सारे केसेस पास किए यहाँ तक, अब ये कौन सी पोजीशन पे है, तो इसको भी एक काउंट करेंगे, ये उसके अगली पोजीशन में, इतने हर्डल्स पास करने के बाद ये इस पोजीशन में पहुंचा है। तो ये सिक्स है, वन फैक्टोरियल इज वन, सिक्स प्लस वन सेवन, प्लस वन एट, तो बैंक की रैंक आ गई दोस्तों एट। अब बैंक के बाद मैं आपको एक वर्ड और लेता हूं जिसकी रैंक सिखाता हूं, और ऐसे एक केस इसके बाद हम और लेंगे जिसमें आपको परफेक्शन आ जाएगा। पर ये जो सारे वर्ड्स हम ले रहे हैं, इनमें लेटर्स आर नॉट बीइंग रिपीटेड, वो लेटर्स आर बीइंग रिपीटेड जो होंगे, जिसमें लेटर्स रिपीट होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर आप साथ साथ मेरे बने रहें, तो ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक अगला वर्ड ले लिया है हमने रैंडम, अब रैंडम में रैंक निकालना है हमें रैंडम की। अब ये रैंडम ध्यान से देखें, रैंडम देखिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें टोटल लेटर्स हैं सिक्स, तो अगर इसको जमाएंगे, टोटल परम्यूटेशंस इसके देखेंगे,
तो टोटल परम्यूटेशन इसके होंगे 6 फैक्टोरियल, दे विल बी 720। अब 720 हम बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो देखेंगे हम कि डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजती है, डिक्शनरी में सबसे पहला वाला लेटर कौन होता है। तो डिक्शनरी में सबसे पहला वाला लेटर होता है ए। जब ए पहली पोजीशन में रहेगा, ए को फर्स्ट पोजीशन में रख दिया, तो जो घूमने वाले, जिनको मैं घूमने वाला कहता हूँ, इसका मतलब है उनको इधर उधर उधर इधर सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस उनके अगर बनेंगे तो वो परम्यूटेशंस होंगे 5 फैक्टोरियल। ए के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, ए के बाद भेजेगी डी को। अगर डी को पहली पोजीशन में रखेंगे तो 5 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस फिर बनेंगे। इनकी वैल्यू लिखते चलते हैं, 120, इसकी भी वैल्यू लिख दी है 120। डी के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, एम को भेजेगी। एम से भी चालू होने वाले कितने होंगे, व्हेन एम ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस, तो भी हमारे पास 5 फैक्टोरियल होंगे। और हमें रैंडम नहीं मिला, क्यों, ए के बाद हम सारे ए से जितने भी वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे देखेंगे, फिर डी से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे देखेंगे, एम से जितने भी हो रहे हैं वो देखेंगे, एम के बाद किसका नंबर आएगा, एन का आएगा, एन से भी 5 फैक्टोरियल होंगे, 120 होंगे, फिर एन के बाद किसका नंबर आएगा हमारे पास, ओ का नंबर आएगा, ओ में भी 5 फैक्टोरियल होंगे, ये भी होंगे 120। अब ओ के बाद दोस्तों डिक्शनरी किसको भेजेगी, तो ओ के बाद डिक्शनरी भेजेगी अब आर को। जैसे ही आर को भेजेगी तो आर को यहां से कैंसिल कर देना, यहां से भी कैंसिल कर देना, तो आपकी अब सर्च एक मुकाम पे पहुंच गई, एक पोजीशन में पहुंच गई। आप रैंडम ढूंढना चाहते थे, रैंडम का फर्स्ट लेटर आर है, हम आर में पहुंच गए। अब हम आर के अंदर जाएंगे, जितने भी वर्ड्स आर से स्टार्ट हो रहे होंगे, आर से जितने भी होंगे आर के, तो सबसे पहले कौन होगा आर से, तो एक काम करते हैं, अब आर के पेज में घुस गए, अब आर के पेज में घुसे तो अब हमें रैंडम नहीं ढूंढना है, अब हमें समझे कि एंडम ढूंढना है, ए एन डी ओ एम। तो डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी, डिक्शनरी भेजेगी सबसे पहले ए को। तो बहुत खुशी की बात है कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें रैंडम चाहिए था और सबसे पहले ही हमको कौन मिल गया, ए मिल गया। अब हमें चाहिए एन डी ओ एम, एन डी ओ एम, पर डिक्शनरी फिर से स्टार्ट होगी। अब डिक्शनरी में सबसे पहला लेटर कौन होगा, डी। तो जब सबसे पहला लेटर डी होगा तो जो घूमने वाले होंगे उन, मतलब जिनके परम्यूटेशंस बनेंगे, डी से चालू होने वाले वर्ड्स कितने होंगे, तो व्हेन डी ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस, तो जो मूवमेंट करेंगे, जो चेंज, जो परम्यूटेशन बनाएंगे वो होंगे एनओएम। एनओएम कितने हैं, वो दे आर 3 इन नंबर्स, तो वो 3 फैक्टोरियल तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे, वो 6 हो गया। डी के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, डी के बाद भेजेगी एम को भेजेगी। जब एम पहली पोजीशन में आएगा तो कौन मूवमेंट करेंगे, एम पहली पोजीशन में आएगा तो मूवमेंट करने वाले रहेंगे एन डी ओ, एन डी ओ से जितने भी परम्यूटेशंस बनेंगे तो दे विल बी 3 फैक्टोरियल, वो कितने होंगे, वो 6 होंगे। अब एम के बाद ध्यान से देखिए, एम के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, एम के बाद भेजेगी डिक्शनरी एन को। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, हमें आर के बाद ए चाहिए था, ए के बाद एन चाहिए था, जैसे ही हमें एन मिलेगी हम खुश हो जाएंगे, इसको हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमें डी ओ एम चाहिए और डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी, डी को ही भेजेगी, तो ये और खुशी की बात है, तो यहाँ से डी को कट कर दो। अब डिक्शनरी किसको भेजेगी, अब डिक्शनरी भेजेगी एम को, अब डिक्शनरी भेजेगी एम को। एम पहली पोजीशन में रहेगा तो जो घूमने वाला कहते हैं जिसको ओ, तो वो एम के बाद ओ आएगा, तो उसके परम्यूटेशन होंगे 1, वो 1 लिख दिया, और एम के बाद आएगा आपका ओ, फिर हम बहुत खुश होंगे कि हमें ओ चाहिए था, ओ मिल गया है, इसको भी कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे। फिर डिक्शनरी किसको भेजेगी, एम को, इसको भी कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, और इसको नंबर देंगे 1। तो ये हमारी जाके रैंक निकलेगी, किसकी निकलेगी, रैंडम की। तो आप देखें रैंडम की रैंक क्या होगी, 120 120 120 120 120, 5 times 120 है, तो ये तो 600, तो यही हो गया 600 के बाद आपने जोड़ा, ये तो टोटल लिखे थे, इसको आप हटा दें, इससे मतलब नहीं है।
तो 600 वो हो गए, 600 के बाद ये आपके पास हो गया 6, तो 6 + 6 = 12 + 1 + 1, तो ये आ गया 614, रैंडम की रैंक, रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम इज 614। अब एक वर्ड और मैं दोस्तों बताता हूं आपको जो बहुत पॉपुलर है, और क्वेश्चन आपका आपको मालूम होगा कि किस तरीके का आएगा। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, जो वो वर्ड है आपका जेनिथ, इफ ऑल द वर्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड जेनिथ आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर, सारे पॉसिबल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो अगेन दे आर सिक्स इन नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे 6 फैक्टोरियल। उसमें पूछेंगे क्वेश्चन, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड जेनिथ आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ, जेनिथ की रैंक निकालना है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे पहले आप डिक्शनरी में समझ ले कि कौन कौन पहले आता है, तो ABCD के ऑर्डर में देखिए, ई आएगा, ई के बाद एच आएगा, आई आएगा, एन आएगा, टी आएगा, और फिर आपके पास आएगा जेड। तो ये एक आप ऑर्डर ध्यान रखें, कभी कभी इसमें भी कोई गलती हो जाती है, ध्यान नहीं रहता, तो डिक्शनरी सबसे पहले भेजेगी ई को, जब ई पहली पोजीशन में रहेगा तो जो घूमने वाले रहेंगे वो रहेंगे जेड एन आई टी एच, 5, तो 5 फैक्टोरियल, टोटल वर्ड्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल 120, पर हमें जेनिथ नहीं मिला। ई के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, एच को भेजेगी, फिर 5 फैक्टोरियल होंगे 120, क्या मिला जेनिथ, नहीं मिला। फिर एच के बाद किसको भेजेगी, आई को भेजेगी, फिर हमारे पास टोटल परम्यूटेशंस होंगे 5 फैक्टोरियल 120, आई के बाद किसको भेजेगी, एन को भेजेगी, फिर टोटल परम्यूटेशंस 120, एन के बाद किसको भेजेगी, टी को भेजेगी, 5 फैक्टोरियल 120, एन के बाद किसको भेजेगी, जेड को, जैसे ही जेड को भेजेगी वैसे ही हम अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि जेनिथ में हमको जेड से ही बिगिनिंग करना थी, जेड से बिगिनिंग करना थी, तो जेड हम जेड से स्टार्ट करेंगे, और जेड जैसे ही आ गया हमारे पास तो हम यहां से उसको कट कर देंगे, और अब देखेंगे कि डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजती है, तो सबसे पहले डिक्शनरी अब जेड के बाद किसको भेजती है, ई को, तो हमें जेड के बाद तुरंत ई की जरूरत थी, तो ई को भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, ई को भी हम कट कर देंगे। अब ई के बाद अब हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, अब हमें ढूंढना है निथ NITH, पर अब हमें डिक्शनरी सबसे पहले एन नहीं भेजेगी, डिक्शनरी भेजेगी एच को, एच को भेजेगी, तो जो जब एच फर्स्ट पोजीशन में रहेगा तो घूमने वाले कितने रहेंगे, 1, 2, 3, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। एच के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, आई को भेजेगी, जब डिक्शनरी आई को भेजेगी तो आई फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, घूमने वाले रहेंगे 3, 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6। फिर आई के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, तो मैं इसमें यहां भी कैंसिल करते जाते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए एच के बाद किसको भेजेगी, आई को, आई के बाद किसको भेजेगी, एन को, जैसे ही एन को भेजेगी हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमें जेड के बाद ई चाहिए था, ई के बाद एन चाहिए था, तो एन को भी हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, एन को भी हमने कट कर दिया। अब डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी दोस्तों, अब डिक्शनरी सबसे पहले भेजेगी, फिर वापस उसी ऑर्डर में जाएंगे एच को, और जो एच फर्स्ट पोजीशन में रहेगा तो घूमने वाले रहेंगे 2, आई और टी, तो दे कैन अरेंज्ड themselves into factorial ways, वो अपने दो तरीके से जमेंगे, आई और टी, आई टी और टी आई। फिर एच के बाद किसको भेजेगी डिक्शनरी, डिक्शनरी भेजेगी आई को, आई को भेजेगी, तो ये आई हमारा, जब एन के बाद कौन आएगा, एन के बाद दोस्तों आई आएगा, तो इस आई को भी क्या कर दें हम, कट कर देंगे। अब क्यों कट कर देंगे, क्योंकि जेड के बाद ई चाहिए, ई के बाद एन चाहिए, एन के बाद कौन चाहिए हमें, आई चाहिए। अब अगर एच हमारा फर्स्ट पोजीशन में है तो जो घूमने वाला है, घूमने वाला जिसको कहता हूं मैं टी,
तो वो एक फैक्टोरियल तरीके से जमेगा, उसकी वैल्यू एक होगी। फिर एच के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, टी को भेजेगी। तो जैसे ही टी को भेजेगी तो टी को हम कट कर देंगे। टी को क्यों कट करेंगे, क्योंकि जेड के बाद ई चाहिए, ई के बाद एन चाहिए, एन के बाद आई, और आई के अंदर क्या चाहिए हमें, टी। तो हम सॉरी यहां टी लिख देता हूं मैं, हाँ यहां टी मिल गया हमें। अब टी के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, एच को, और टी के बाद हमें एच ही चाहिए। इसको भी हम क्या दे देंगे, इसको भी हम नंबर दे देंगे वन, क्योंकि वो एक पोजीशन है। अब आप काउंट करें 120 120 120 फाइव टाइम्स 600, 6 + 6 12, 12 + 1 ओ 12 + सॉरी 2 है ये, 12 + 2 14, 14, 15 और 16। तो ये जो इसकी रैंक है, इसकी रैंक है दोस्तों 616, किसकी रैंक है दोस्तों, जेनिथ की रैंक है 616। ये सारे जो केसेस थे दोस्तों हमने जो डिस्कस किए, इनमें रिपीटेशन नहीं लिया था। अब मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूं और जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो रिपीटेशन वाला एक मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो मान लीजिए कि आपके पास, अब क्या होगा, तो आपने एक देखा होगा एक वर्ड, जैसे मान लीजिए राजा एक वर्ड है, इसमें टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल परम्यूटेशंस 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, इसमें 2 ए हैं, ध्यान से सुन लें, 2 ए हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 24/2। टोटल बनेंगे अपने पास 12 केसेस। उन 12 केसेस में मान लीजिए कि मुझे राजा की रैंक निकालना है, तो डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी, ए को भेजेगी। तो जब ए फर्स्ट पोजीशन में रहेगा तो घूमने वाले रहेंगे 3 फैक्टोरियल, दे विल बी 6। अब कई बार स्टूडेंट सोचता है कि फिर ए को भेजेगी, तो ए और ए में कोई आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है क्या, नहीं। आपने देखा है क्या डिक्शनरी कौन से ए से स्टार्ट होती है, सबको ए ही बोलते हो आप, तो ये वापस से ए नहीं आएगा, ये वाला कि ये वाला कि कौन सा था। ए के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, जे को। जब जे को भेजेगी तो जो घूमने वाले रहेंगे वो कितने रहेंगे, वो घूमने वाले 3 रहेंगे, कौन कौन, आर ए ए 3 फैक्टोरियल, पर उसमें 2 ए रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 1 और ये 2 × 1, तो कैंसिल होगा, तो 3 वैल्यू रह जाएगी। अब जे के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, आर को भेजेगी। तो जैसे ही आर को भेजेगी तो हम खुश हो जाएंगे, इसको और इसको कट कर देंगे। इसके बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, ए को भेजेगी, फिर से हम खुश हो जाएंगे, इसको भी कट कर देंगे। अब कौन सा वाला ये कट करना है, तो इसके बाद ये कट कर दिया, उसको कट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। अब हमें क्या चाहिए, जा, जे ए, पर डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी, ए को, तो जो घूमने वाला रहेगा वो रहेगा जे, 1 फैक्टोरियल, तो ये लिख दिया आपने 1। फिर ए के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, जे को, तो जे को कट कर दो यहां से और यहां से, और डिक्स के बाद भेजेगी डिक्शनरी ए को, इसको भी आप कट कर दें, तो ये आ गया आपके पास 1। इन सबको ऐड करेंगे 6 3 9 + 1 + 1 9 और 2 11, तो राजा की रैंक दोस्तों आ गई है 11। टोटल जो लेटर्स हैं आर ए जे में 4, जिसमें 2 रिपीट हो रहे हैं, 12 टोटल वर्ड्स बनेंगे डिक्शनरी में। उन 12 वर्ड में जो राजा है उसकी पोजीशन 11 होगी, 11th पोजीशन में राजा आएगा। अब मैं दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन लेता हूं आपके साथ, सुरीति, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस सुरीति की रैंक निकालना है, और सुरीति की रैंक आती है दोस्तों 236। तो देखते हैं 236 आती है कि नहीं आती है और कैसे आती है। तो सबसे पहले डिक्शनरी किसको भेजेगी, तो इसमें वर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो आप डिक्शनरी का एक ऑर्डर बना ले, आई भेजेगी, आई 2 है आपके पास, और फिर आपके पास है आर एस टी यू, आर एस यू एस टी यू, ये बना लिया आपने। अब सबसे पहले डिक्शनरी किसको भेजेगी, सबसे पहले डिक्शनरी भेजेगी आई को। जब आई फर्स्ट पोजीशन में रहेगा तो टोटल जो वर्ड्स बनेंगे वो होंगे 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, और कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 120। क्या हो गया वो 120।
आई के बाद मैंने फिर बोला आपको, फिर आप आई ले नहीं सकते, वो आई से चालू होने वाले हो गए, अब खत्म हो गया आई का रोल। आई के बाद किसको भेजेगी? आर को भेजेगी, आर से चालू होने वाले। तो जब आर फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, ये आर फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, तो घूमने वाले होंगे एस यू आई टी आई, एस यू आई टी आई पांच, लेकिन उसमें दो आई रिपीट हो रहे हैं, दो आई रिपीट हो रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गई इसकी 60। क्या रिपीट हो रहे हैं? दो आई, तो इसकी वैल्यू हो गई 60। पाई फैक्टोरियल 120, टू फैक्टोरियल होगा 2, तो 120 डिवाइडेड बाय 2 60। आर के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी? आर के बाद भेजेगी दोस्तों एस को भेजेगी। तो जैसे ही एस को भेजेगी, आर के बाद हमें क्या चाहिए? हमें आर के बाद भेजेगी एस को, और हमें चाहिए भी एस, तो हम इसको कट कर देंगे और इसको भी यहां पे कट कर देंगे। अब डिक्शनरी में हमें चाहिए उरीति, अब डिक्शनरी में चाहिए हमें उरीति, लेकिन डिक्शनरी फिर से स्टार्ट होगी। डिक्शनरी का यही रूल है कि जब आपको मेन वर्ड मिल जाता है, मेन लेटर मिल जाता है, तो मेन लेटर के अंदर फिर डिक्शनरी वापस से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन आएगा? आई आएगा। आई से जब चालू होने वाले देखेंगे, तो आई जब फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, तो जो घूमने वाले रहेंगे वो हमारे पास रहेंगे 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 24। अब आई के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी? तो आई के बाद वापस से किसको भेजेगी दोस्तों? आर को भेजेगी, एस को हम कैंसिल कर देते हैं, आर के आर को भेजेगी। तो जब आर फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, तो आर फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, तो घूमने वाले रहेंगे 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपके पास 12। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका है 2 इंटू 1। अब आर के बाद किसको भेजेगी? आर के बाद भेजेगी टी को। तो जब टी फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, जब टी फर्स्ट पोजीशन में रहेगा, तो घूमने वाले आपके पास रहेंगे 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो आई रिपीट होंगे, फिर इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। अब किसको भेजेगी डिक्शनरी? अब डिक्शनरी भेजेगी आपकी यू को। तो एस के बाद हमें किसकी नीड थी? एस के बाद यू की नीड थी, तो यू को भी कट कर दें आप। एस के बाद यू की नीड थी, यू को भी कट कर दें। अब हमें क्या दोस्तों सर्च है? अब हमें सर्च है रीति की। तो डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी? आई को भेजेगी। जब डिक्शनरी आई को भेजेगी, तो ये घूमने वाले जो रहेंगे, ये 3 फैक्टोरियल रहेंगे आर आई टी, और वो आर आई टी 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। आई के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी? आई के बाद डिक्शनरी भेजेगी आर को। हमें सुरीति में एस यू के बाद आर की ही जरूरत थी, काट दो। फिर हमें डिक्शनरी वापस से चालू होगी, अब हमें आई टी आई चाहिए, तो डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी? आई को भेजेगी। तो आप आई काट दें, कौन सा भी काट दें आप। फिर इसके बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी? फिर वापस से किसको भेजेगी दोस्तों? फिर डिक्शनरी भेजेगी आई को। तो घूमने वाला एक रहेगा, 1 फैक्टोरियल, कौन? टी। फिर डिक्शनरी किसको भेजेगी? टी को। जो हमारी नीड थी, जो हमारी जरूरत थी, हम उसको काट देंगे और काफी अच्छा महसूस करेंगे। फिर डिक्शनरी भेजेगी आई को, उसको भी कैंसिल कर देंगे और उसको एक नंबर देना नहीं भूलेंगे। अब इन सबको काउंट करेंगे, 120 प्लस 60 180 प्लस 24 204 प्लस 12 216 228, इसको ऐड कर दिया 228, ये हो गया 6। 228 में आप 6 ऐड करोगे तो 234 आएगा, फिर उसमें ये 1 ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 235, फिर ये 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 236। तो सुरीति की रैंक दोस्तों है 236, सुरीति की रैंक है 236। अब आप अपने अपने नामों की भी रैंक निकालें, खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें। इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट और डिफिकल्टी, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन अप्रोच मी, एक्सेस मी एट एनी टाइम। माय बेस्ट विशेस विथ यू। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और दोस्तों तक बात पहुंचा दें, और उन्हें भी ये कम्युनिकेट करें, सारे वीडियोस की लिंक भेजें और खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। आप पढ़ेंगे देश बढ़ेगा। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं,
आप खूब मेहनत करें और देश के काम आए। ऑल द बेस्ट।